एक नया टॉपिक रहेगा, जैसे कि इस बार होगा ओपीएस पर्सनालिटीज ऑन इंटरनेट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप भी युवा हैं, क्या लगता है रोजगार नहीं मिल पा रहा है युवाओं को? रोजगार पढ़ते लिखते नहीं, फिल्म देखते फिर फोन में पढ़ रहे, पढ़ा कौन सा यहाँ से गांडते फिर रास्तू ये पढ़े यहाँ से पढ़ते क्यों नहीं, अपने घरों बैठ के घरों बैठ के पढ़ो, ये सदी का ना लिखा जब बताइयो, ये मोदी मोदी थोड़ी रोक रहा, मोदी के हाथ में थोड़ी है, वो कह रहा पढ़ो लिखो नौकरी लगो। भाई क्या मस्त म्यूजिक पीछे बज रहा है, बिना राइम वाइम किए भी क्या मस्त ट्यून पे सेट कर रहा था ये, है क्या मस्त बोला इन्होंने। हरियाणवी वुमन आर बिल्ट डिफरेंट भाई, दे कैन डू एवरीथिंग आई गेस, द रियल स्लिम शेडी इज दिस। भाई मजा है यार सुनने में, ऐसा लगा सही में रैप है बे, कितने बेकार बेकार रैप बनते हैं आजकल। क्या नाम है उसका जो बिग बॉस में गई थी, पॉटी 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 ऐसा करके कुछ तो कर रही थी यार, और ऊपर से हिम्मत देखो मीम पे जिस पे प्रमोट करवा दिया उसपे वैसे गाने को। छी बेबी का ना बहुत लोग टुनटुन मौसी से कंपेयर कर देते हैं, बट मेरे को लगता है नहीं करना चाहिए यार, मतलब कितनी भी गंदी हो बेबी का लेकिन टुनटुन मौसी से तो कंपेयर मत करो, मतलब उल्टा टुनटुन मौसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जा रहा है, और पता नहीं कैसी कैसी चीजें बोल रही है, कभी ट्रिगर्ड इंसान के पीछे पड़ जाती है, कभी फुकरा इंसान के पीछे पड़ जाती है, कभी मनीषा के पीछे पड़। भाई मनीषा पे तो मतलब मेरे को बहुत दया आता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बिहारी है, इसलिए क्योंकि वो बिहारी है, और दूसरी बात वो बेचारी हेट को इतना इग्नोर करके इतना काम वाम कर रही है, किसी को कुछ नहीं बोलती यार, लेकिन ये लोग पड़े हैं भाई उसके पीछे। एक तो फुकरा भी पता नहीं कैसा सपोर्ट कर रहा था कि उसके दोस्त लोग ही मनीषा के ऊपर रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं, फिर भी वो रोका नहीं या कुछ भी नहीं करवाया, और मनीषा को यूट्यूब वाला भी हेट झेलना पड़ा, और अभी ये सब फिर से हो रहा है। छी यार मतलब गिव हर अ ब्रेक एटलीस्ट। प्राइम मिनिस्टर की मंथली सैलरी कितनी होती है? 8000 हो गए जी। नहीं करेगा बताओ, हम तो कमी कमा रहा हूँ, हम ठेकेदार है यार, महीना के लाख रुपए कमा में, आपसे भी ज्यादा कमाता है, हमसे ज्यादा कमा रहा तो दोनों का काम कर रहा हो। लेकिन क्या क्या कॉन्फिडेंस है, इंडिया में यही है जिसके पास थोड़ा भी ज्यादा पैसा है तो उनसे लोग बोलते हैं दो नंबर का काम कर रहा होगा। ब्रो इज लिविंग माय ड्रीम लाइफ, ये ड्रीम है इस लड़की का नाम, ड्रीम क्या नाम है इस लड़की का, इसको पहले मैं किसी और लड़की के साथ देखती थी, अभी किसी और के साथ है। पहले वाला लड़का भी ऐसे ही टाइप का दिखता था, ये वाला भी वैसे ही है, ऐसा लगता है ये ओरियो को कॉम्बिनेशन बनाती है ये लोग, हम दोनों की जोड़ी को देखेंगे तो ओरियो को याद करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओरियो। पकड़ो ये तुम्हारे लिए, इतना पैसा है मेरे पास कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ मैं। कौन सी? पूरी बात तो सुन लो, तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ कि ना ही बनाओ तो ही अच्छा। सोच रहा था अपनी शादी में एक जबरदस्त सिंगर को बुलाऊंगा, क्या किस्मत मीत ब्रोज मिल गए, बहुत अच्छा गाते हैं आप, आपके पास AR रहमान का नंबर है, ये लो मीत ब्रोज एडवांस रखो। पूछ तो ले डेट खाली है कि नहीं है, जब जेब भरी होती है ना तब डेट अपने आप खाली हो जाती है। ऐसा उर्वशी तुम भी आओगी शादी पे, तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। तो अगर इतना पैसा है तुम्हारे पास तो यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट भाई, टाइम इज मनी, तभी तो वेस्ट कर रहा हूँ। ये लो पैसा और अपनी बूढ़ी माँ की इलाज करवा लो। मेरी माँ बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो शराबी बाप को दे। तेरा बाप शराब नहीं पीता। अबे जब कोई मजबूरी नहीं है तो बिना टैलेंट के शो में कैसे आ गया बे? ये जो भी लड़का ये बहुत आगे जाए, क्या कॉन्फिडेंस है यार लड़के में, क्या स्मूथली जोक्स मारे इसने, मजा आ गया मजा। सबसे बेस्ट ये लगे कोई मजबूरी नहीं है तो रियलिटी शो में कैसे आ गए बे? पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बनना चाहता है? पानीपुरी बेचना चाहता हूँ। पानीपुरी बेचना क्यों चाहता है? चाहता हूँ। क्यों चाहता है? पानीपुरी लौंडिया खाने आती है। मैं ऐसे बहुत से लौंडों को भी जानती हूँ जो पानीपुरी खाते हैं और लड़कियों से ज्यादा खाते हैं। मैन विल बी मैन, और ये बच्चा बच्चे से ही मैन बन गया एकदम, इतने बचपन में इसने ऐसी लौंडियाबाजी बता दी है तो सोचो बड़ा होके क्या करेगा, ये छोटे में ही इससे बता दिया है कि मैं तो बड़ा होके लौंडियाबाजी बनूंगा। आई रिमेम्बर फर्स्ट सीजन में देयर वाज दिस मेगा ट्रेंड दैट आई लुक लाइक राजू की मम्मी इन सीरियल, इट्स लाइक गॉट मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस। भाई ये मुंह पे हंस दिया रणबीर ने, मुझे कितनी भी हंसी आती मैं रोक लेती कि नहीं। रणबीर भी तो
बोलता है बोल देता अभी। ये तो बातों बातों में वो सोच रही हूँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब उन्होंने मीम्स देखे होंगे कि यार इसके पॉडकास्ट पे जाना भी उल्टा पड़ गया मेरे पे। लेकिन मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि सबसे प्यारी यही है, मतलब पूरे शार्क टैंक में भले पैसा इन्वेस्ट करें ना करें लेकिन सबसे प्यारी यही है। पैसा उनका उनका उनकी मर्जी, करें ना करें इन्वेस्ट। मैं कोशिश करता रहूंगा, अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूं। अभी तो बस हम खाई से उठकर जमीन पर अभी मैंने पैर रखा है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। रटा हुआ मोटिवेशनल लाइन बोल रहा है बच्चा। अरे ये बिल्लियों वाली एडिट मस्त है एकदम, ऐसा बोला उससे लग रहा है कुकी मांग रहे कुकी। आ रही हूँ मैं इस साउंड को अपने अलार्म जैसे सेव करने, इसको ही सुन के मेरे को सुबह सुबह हंसी आएगी और नींद भी खुल जाएगा। पता चला मैं ऐसे नींद के चक्कर में फोन चला रहा हूँ, जाओ सुबह उठने का कोई फायदा नहीं हो, पूरा दिन वेस्ट हो जाए। ऐसे ही क्लास में बातें करता हूँ मेरा दोस्त, मैं जिसे पता है मैं मस्त कर रही हूँ इस सिचुएशन पे। फिर ऐसे पैर से मारते थे ना दीख। लेकिन इसमें सबसे गंदी ट्विस्ट ये होती थी कि टीचर्स को लगता था हम भी बात कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, मतलब बात कर ही रहे होंगे। फिर उठा के पूछते थे ऐसा क्या बात कर, इतना कौन से इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बताओ हम लोग भी सुन ले। बेमतलब के अपने दोस्त के साथ हम भी पिस जाते थे। और वो दोस्त पता है कब चुप होता था, जब देखता था कि पूरा क्लास चुप होकर मेरी ही बातें सुन रहा है। चाहते हैं चिड़ना शायद, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसी हरकतों पे कि कोई खाना दे रहा छीन दे जा रहा छीन दे। तो फिर एक तो मैं ऐसी जगह पे जाऊं ही ना द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर मेरे को कोई बहुत इंसिस्ट करके बुला ले और मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं तो जड़ दूंगी बे। गेस आवर इंस्टा बायो एटीट्यूड क्वीन मर्डर्ड द केक ऑन 8th of October। वाओ याद है, बताओ बताओ जल्दी बताओ कमेंट्स में, मुझे याद है बहुत अच्छे से छोटा भीम का, बताओ क्या था ये। वैसे तो शक्ल देख के पता चल जा रहा होगा बाद में वाले का। मैं आजकल बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हूँ जिसमें मेरे को बहुत गाली पड़ सकती है, लेकिन मेरे को गालियों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, थेत्तर हो गई हूँ मैं थेत्तर। एक थप्पड़ में मेरी का कोरियन हस्बैंड का खून का भूत उतरे, मतलब अलग ही ट्रेंड चल रहा है भाई कि रशियन चाहिए कोरियन चाहिए। वैसे तो मेरे को जहां तक लगता है लड़कों का रशियन चाहिए वाला जो आइडिया है वो एक गंदी चीज से है, लेकिन लड़कियों का जो कोरियन लेने वाला आइडिया है मुझे खुद नहीं पसंद है भाई, मैंने खुद नहीं देखे कोरियन शोज। लेकिन लड़कियों का जो कोरियन चाहिए वाला आइडिया है वो इसलिए क्योंकि वो लोग भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं और शोज में वैसा दिखाया जाता है, मतलब जहां तक मैंने मीम्स वगैरह देखा है। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, खोल दे तू नाड़ा नहीं तो फाड़ दे पजमी। थोड़ा डांस कर जाला ये डिस्गस्टिंग बे। पता नहीं क्यों बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर के सस्ते कॉपी लग रहे हैं। मजदूरों को भी क्या लड़की मिल रही है, शी लुक्स लाइक अ बैडी ब्रो। मेरे को इस वीडियो को देख के समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्रिंज रिएक्ट करूं क्या बोलूं। यार हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट, यहां पे किसी का Somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years, वगैरह वगैरह, तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था, तो आप बताइए। मतलब लाइक एज इन टू सेबी व्हाइल शूटिंग गाइस, हवेली का फायदा, माय बैड, ऐसे कैन यू प्लीज रिफ्रेश। या वी वर शूटिंग, इट वाज 3 o'clock एट नाइट, बस रहने दे। अरे यार यार कितनी भोली है यार, एक पे एक ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रही है, मतलब एक को बचाने के लिए दूसरा फिर कार्तिक वाज लाइक बहन रहने दे प्लीज। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ। ऑनेस्टली मेरे पापा का जो बोलने का तरीका
का भाई डिट्टो सेम है कि नहीं, मैं तो गुस्सा ही नहीं होता हूँ, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये सच में ये लाइन बोलते हैं पापा। किस तरह का कंटेंट देखता हूँ मैं? सब कुछ देखता हूँ, मैं वुमेन्स का भी देखता हूँ, मेरे को देखना पसंद है, मैं हाइलाइट्स देखता हूँ। नहीं सब कुछ रणवीर के पॉडकास्ट पे क्यों होता है यार? लेकिन मेरे को लगता है ना कि यूजी इज रियली इनोसेंट यार, मतलब बहुत क्यूट लगता है मेरे को। सारे क्रिकेटर्स में मेरे को लगता है सबसे भोला वाला यही है। वैसे बहुत सारे रील्स देखे हैं मैंने इनके भी, टची टची होते हुए अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है। ही इज अ रियली नाइस गाय, डाउन टू अर्थ गाय। आई एम टोटली लविंग द सीरीज गाय, एंड इफ यू ऑल्सो डिड प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताओ योर मोस्ट फेवरेट पार्ट फ्रॉम द वीडियो, और मेरे को आप और भी ऐसे मीम्स शेयर कर सकते हो, और अगर हुआ तो हम लाइव रिएक्शन करेंगे सारे मीम्स का ऑन अ लाइव स्ट्रीम, एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू डू दैट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आपसे अपना।